हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपीएस इंफोटेक्निक्स की, जिसको विशेष इंफोटेक्निक्स भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की, और प्लस आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, और प्लस क्या इसके अंदर हमें और बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। इसका जो शेयर प्राइस चल रहा अभी वो चल रहा है 1.40 रुपये के आसपास। और अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्या इसके अंदर हमें और फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए और बाइंग करनी चाहिए, तो दोस्तों अभी आपके पास मौका था, मौका है और आगे भी आपको मौका मिलेगा। इसीएल ने आपको कई मौके दिए इसके अंदर एंट्री लेने के लिए, तो दोस्तों अभी आपके पास आगे भी मौका मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अभी इसमें करेक्शन होनी और बाकी है। तो दोस्तों, जो लोग सोच रहे हैं इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेने के लिए, तो दोस्तों अभी आप रुक जाएँ, क्योंकि दोस्तों अभी इसमें करेक्शन होगी। और जब इन दोनों के शेयर प्राइस सेम होंगे, जो BSE पे चल रहा है और NSE पे चल रहा है, जब ये दोनों प्राइस सेम हो जाएंगे तब आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। अगर बात करें अपने दूसरे क्वेश्चन की कि रणनीति इसमें क्या होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये बोलूँगा कि इसके अंदर अब ऑपरेटर और भी एक्टिव हो चुके हैं, वो आपको कन्फ्यूज करेंगे जब से बाइंग करेंगे और सेल करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप इस शेयर को लॉन्ग टाइम के पर्पज से देख रहे हैं तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप आज पहुंच चुका है 528 करोड़ के आसपास। इसका मार्केट कैप 75 करोड़ से आज 528 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, और भविष्य में इन फ्यूचर ये 1000 करोड़ को भी टच कर जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो इसने बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का रिटर्न दिया है। मात्र तीन महीने के अंदर इसने 600% का रिटर्न दिया है। और इस कंपनी का जो इस बार का रिजल्ट आया है वो भी बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया आया है। आप देख सकते हैं 13% के आसपास इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी की कुछ पॉजिटिव बात ये भी है कि कंपनी ने अपने जो ड्यूज थे वो सारे क्लियर कर दिए हैं, और कंपनी अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करें तो 100% लोग इसको बाय एंड होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 70% लोग इसको बाय करने की सलाह दे रहे हैं, और प्लस 30% लोग इसको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 20% के आसपास प्रमोटिव होल्डिंग बनी हुई है, बाकी इसमें 80% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग बनी हुई है। प्रमोटर्स ने अपनी 2% की होल्डिंग कम की थी, जो कि दिसंबर 2021 की थी, और उसी मंथ में प्रमोटर के जो शेयर होल्डिंग प्लेस थे उसकी होल्डिंग भी उन्होंने कम की थी। ये शेयर 5 पैसे से बढ़कर आज 1.40 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और अब बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की, जो कि इसका रहेगा शॉर्ट टर्म टारगेट। इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा वो रहेगा 3 रुपये का। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, किसी और न्यूज़ के साथ। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।